द्वारकां तित्वां हरिनामः समुद्रोप्लावत् क्षणात् वर्जी इत्वां महाभागः श्रीमत् भगवत आलयम्। इस श्रीमत् भगवत के वेद व्यास के बगल से लिखल गल बाते माने महाभारत के तीसर का अध्याय 23 और 34 श्लोक में ई लिखल गल बाते। सब कोई के नमस्ते और प्रणाम। ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाते। आज का विषय या पुरातत्व इतिहास पर आधारित रही। आज हमने जानब जा कि भारत के द्वारका नगरी सच्चे के श्री कृष्ण के नगरी रहल। आज हमने देखब जा कि द्वारका के समुद्र के भितरे एगो दूसर नगरी बसल बाते। पानी के अंदर अंदर आज भी ढेर गो अवशेष माने के रैक बाते और आज भी पानी के भितरे वैज्ञानिक खोज जारी बाते। भारत में पुरातत्व विद के बगल से द्वारका के भीरी पावल गल समुद्र में एगो आर पुरनका शहर के बिथा पानी के भितरे जाके खोजपूर्ण कार्य शुरू करल गल बाते। भारतीय पुरातत्व विभाग के एडीसी डॉक्टर अलोक त्रिपाठी ई बोलन कि भारत में द्वारका के एगो खास महत्व बाती। कहे कि ई उ शहर है जे महाभारत के बयान करल गल बा। डॉक्टर अलोक त्रिपाठी हिंद महासागर में डूबे होला खंडहर के खोजपूर्ण कार्य करलन। द्वारका के समुद्र में खुदाई के काम भी करल गल बाती। कबो कबो त श्री कृष्ण के साम्राज्य के धुन भी हिया परी बजत हरल। हर तरफ श्री कृष्ण रहल, सब कुछ कृष्णमय रहल। गुजरात के पश्चिम इलाका में बसल द्वारका शहर की ओर अब हमी जाप जा त दूर ही आसमान के चीर के सनातन धर्म के बखान करे होला धर्म ध्वज। इस संदेश देवता कि है जेवे से साक्षात मोक्ष के पवित्र धाम शुरू होवेला। है जेवे से द्वारकाधीश के साम्राज्य शुरू होवेला। स्वागत बाते श्री कृष्ण के कर्मलोक के भूमि पर। कहानी मान्यता की वदंती और किस्सा में ईमानल जाला कि ई मंदिर अपन आप में अद्भुत बाते। 7 मंजिला मंदिर में 72 गो स्तंभ माने पिलर्स बाते। चूना पत्थर से बनल ई मंदिर में कई गो हला उ आक्रमण भी झेलन आर एकर जीर्णोद्धार भी होवल। बकेर आज भी अपन मूल स्वरूप में जीवित बाते। एकरा त्रिलोक सुंदर मंदिर भी बोलल जाला। पुरातात्विक जानकारी के अनुसार ये मंदिर 2500 बरिस से जस्ती पुरन का बाते। द्वारका समुद्र के सैकड़ों फीट नीचे ऐसन अवशेष माने के रैक मिलल गल बाते जहां परी भारत के इतिहास वे बदल गल बाते। अब इतिहास के फीनों से लिखे के परी। जी हाँ, द्वारका के समुद्री अवशेष के सबसे पहले भारतीय वायुसेना के पायलट के बगल से समंदर के ऊपर से उड़ान भरते बखत ई नोटिस करल गल रहल। आर एकर बाद सन 1970 के जामनगर के गेशियर में एकर जिक्र हो रहल। आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर एस आर राव इस सच के प्रमाणित करलन आर ई बोलन कि द्वारका नगरी एगो काल्पनिक शहर नहीं है। बकेर सन 1981 में प्रोफेसर राव और ओकर टीम 560 मीटर लंबाई द्वारका के दीवार के खोज करलन। तब उ बखत उनकरा ऐसन ऐसन बर्तन मिलल जे 1588 ईसा पूर्व से 3000 बरिस से जस्ती पुरन का बाते। कृष्ण के लीला जब समाप्त हो गर रहल तो उ बैकुंठ लौट गर रहल। एकर बाद द्वारका नगरी भी समंदर में समागर रहल। बकेर आज भी समंदर के भीतरे कृष्ण के द्वारका उपस्थित बाते। आज द्वारका के बिथा पानी के अनंत गहराई में श्री कृष्ण के वैभवशाली राज्य के सारे प्रमाण उपस्थित बाते। हिया परी द्वारका मंदिर के ध्वज बदले के प्रक्रिया भी एकदम सुंदर और अविश्वसनीय बाती। ईश्वर से मन्नत मांगे होला भक्त ध्वज बदले के संकल्प लेवेला। ई मान्यता बाते कि है ध्वज सूर्य और चंद्रमा के दर्शावेला।
द्वारकाधीश के बड़का परिवेश पुरातत्व विशेषज्ञ मने आर्कियोलॉजिस्ट के कौतूहल के विषय और केंद्र रहल। बकिर एकर इतिहास जाने के पहल का खोज सन 1963 में शुरू हो रहल। जोन प्रयास उ बखत में करल कर रहल उ करीब 2000 बरिस से पुरन का वस्तु मिलल रहल। बकिर श्री कृष्ण के काल से उनकर कोई सीधा संबंध नहीं रहल। सन 1979 में मंदिर के भीरी जोन विकास कार्य होवत हरल तो ओकर आसपास ऐसन ऐसन चीज मिलल जे ईसा पूर्व के 2000 ईस्वी के रहल। साथ ही प्राचीन सभ्यता माने एंशियंट सिविलाइजेशन के जलमग्न होवे के भी संकेत मिलल। यही आधार पर सन 1981 में अदृश्य और अनदेखी द्वारका नगरी के खोजे के काम शुरू होल, जे हजार बरिस से खाली ई एगो किस्सा या फिर आस्था के कहानी रहल। अब हमनी द्वारकाधीश समंदर के बेथा पानी में जाप जा और ई खोजब जा कि उ चीज जे अद्भुत अविश्वसनीय और अकल्पनीय बा। दिलचस्प बाती बकिर उतना फासिल नहीं बाती, यही खातिर पुरातत्व विशेषज्ञ तनिवेसन कदम बढ़ैलन। जोन क्षेत्र में श्री कृष्ण के नगरी जलमग्न के संकेत मिलल बाते हौजा परी समुन्दर के जोन गहराई बा उ 150 फीट के बाते, उतना गहरा बाते कि खाली डाइविंग एक्सपर्ट ही उतना भीतरे सकी जाए। बकिर अगर स्कूबा डाइविंग के ट्रेनिंग लेके अगर भीतरे जाइबा तो एगो दूसर दुनिया में चल जाइबा। समंदर में 70 फीट नीचा रंग बिरंगी आर सुंदर सुंदर मच्छी पानी में तैरत हवन स नाचत हवन स। अब अगर आर भीतरे जाइबा तब ध्यान से लोगबा तो ऐसन ऐसन डेब्रिज माने कि अवशेष मौजूद बाते जे प्राकृतिक नहीं है, उत मनुष्य के बगल से बनल बाती। 2005 और 2007 में भारतीय सर्वेक्षण के निर्देशन में भारतीय नौसेना के घोटाखोर माने कि डाइवर्स देने से समुद्र में समा होला द्वारका नगरी के अवशेष के नमूने माने कि सैंपल्स के निमन से निकालल गर रहल। तो उ बखत ऐसन नमूना के निकालल गर रहल जे में देख के सब लोग आश्चर्य हो गल हवंजा। साल 2005 में नौसेना के मिलल जुलल सहयोग से पुरनका द्वारका नगरी से जुड़ल अभियान के दौरान समुद्र के गहराई में काट छाट के पत्थर मिलल और लगभग 200 नमूना माने सैंपल्स के एकत्र करल गर रहल। गुजरात में कच्छ के घाटी के भीरी द्वारका नगरी समुद्र के तटीय इलाका में नौसेना के गोताखोर के मदद से एगो बड़का सर्वेक्षण माने सर्वे करल गर रहल, जहां परी द्वारका के भीतरे में जो चूना के पत्थर मिलल ओकर वैज्ञानिक अध्ययन माने कि साइंटिफिक रिसर्च और स्टडी करल गर रहल। एकर बाद ई सब सैंपल्स के दूसर देश के लैबोरेटरी में विदा करल गल और ई पता लगावल गर रहल कि हाई सैंपल्स बहुत ही पुरनका बाते, सिंधु घाटी सभ्यता से जस्ती पुरनका। पौराणिक कथा के अनुसार महाराजा रेवतक्का के समुद्र तट पर कुश बिछाकर यज्ञ करे के कारण ही ई नगरी के नाम अगारीवे से कुश स्थली रहल। ई शहर में कई गो दुवारी के होइला से एकरा दवारती द्वारती बुलल गल बाते और एकर संगे संगे कुश स्थली आन तर्क ओखा मंडल गोमती द्वारका चक्र तीरथ आदि नाम से भी जानल जाला। ई नगर में एगो बड़का सभा मंडप रहल। समुद्री व्यापार खातिर ई एगो स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी रहल। ई शहर में सोना रजत और रत्न के संगे 7 लाख महल भी रहल। जैनिज्म माने कि जैन सूत्र अंतकृत दशांक में द्वारका के 12 गो योजन लंबा 9 योजन चौड़ा विस्तार जैसन जानकारी के उल्लेख करल गल बाते।
पुराण पढ़े होला लोग भी ई बोलन जा कि श्री कृष्ण अपन 18 गो संगतिया के संगे द्वारका अयलन जा और हिया परी 36 बरिस ले राज कर लन जा। गुजरात के द्वारका ई उ जगह है जहां पर 5000 बरिस से पहले मथुरा गमन के बाद श्री कृष्ण ई स्थल के द्वारका नाम दिलन। ई जगह पर न खाली धार्मिक महत्व बाते बकिर ऐसन ऐसन तथ्य सामने आल बा जे एकदम वैज्ञानिक और पुख्ता साबित होल। पानी में जलमग्न एगो दूसर द्वारका की खोज करल गल बा। कार्बन डेटिंग मेथड के माध्यम से ऐसन ऐसन चीज माने अवशेष मिलल बा जे हजारों बरिस पुरन का बाते। इस सब बात पौराणिक काल के बखत में होल बा। बकिर द्वारका के समंदर के बेथा पानी के भीतरे ऐसन ऐसन एविडेंस मिलल बा जे देख के आप खुद हैरान हो जाइब। जोन जोन खोज भारत के इतिहास पुरातत्व विशेषज्ञ के बगल से करल कर रहल उत विश्व के आर्कियोलॉजिकल साइंस माने पुरातत्व विज्ञान के त चुनौती दे दिलन। एगो ऐसन नगरी पानी के भीतरे मिलल जे 16 किलोमीटर से जस्ती के दूरी में बाती। ऐसन ऐसन वस्तु मिलल बा जे भरती दुनिया की सबसे पुरनका सभ्यता के वस्तु से मेल खाला। मैरिन आर्कियोलॉजिकल डाइवर्स माने कि गोताखोर द्वारका के गहरा पानी में जाके ढेर गो खोजपूर्ण कार्य करलन जा। ई पता लगावल गल बाते कि एगो ऐसन इमारत पानी के भीतरे में बा जेकर ढांचा जियोमेट्रिकल पैटर्न के बा। समुद्र के ई भीतर में कौन सी बा? एगो घर बाते, कई गो सीमा बाते आर नाली भी बा। ई वैज्ञानिक का आर पुरातात्विक का अध्ययन के बाद ई कंक्लूजन पर आल कि ई सभ्यता मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन से जस्ती पुरन का बाते। ई डिस्कवरी ढेर गो साइंटिस्ट के सोच और कल्पना के बाहर रहल कहे कि ई सब अवशेष मनुष्य देने से बनावल गल बाते। प्रसिद्ध लेखक कैड्रिशा ऑल्सन के अनुसार द्वारका नगरी के समंदर में एगो दूसर द्वारका बाती। उ एस ओ राव के पुस्तक द लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका पर भी अनुसंधान और खोजपूर्ण कार्य करलन। लेखक बिली कॉसन के अनुसार द्वारका समुंदर में निकालल गल जुन जुन चीज के एक्सपेरिमेंट और कार्बन डेटिंग करल गल बाते उ भी आर्कियोलॉजिकल समुदाय के बगल से बकिर हभी ले ई पता ने लगावल गल बाते कि ई सब चीज एग्जैक्टली कितना हजार बरिस पुरन का बाते। लेखक विलियम हेनरी ई बोलन कि महाभारत ग्रंथ में द्वारका नगरी के एगो उच्चतम कोटि के महल के उल्लेख करल गल बा। त हो सकी कि उ बखत सच्चे के ऐसन महल रहल कहे कि जोन अवशेष और जियोमेट्रिकल पैटर्न होला इमारत भीतरे ढांस गल बा उ त एकदम सुंदर वे लौकता। लेखिका मैरिया वेटली एगो वैज्ञानिक व्याख्या देकर जलमग्न द्वारा नगरी के आइफा बर्फिंग पॉइंट बोलन। लेखिका रीटा लुईज के अनुसार उ क्षेत्र में जुन आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशन माने पुरातत्व खुदाई जब करल गर रहल ते एगो ऐसन सिक्का मिलल जे 9000 बरिस पुरन का बाती। आर उ हवे के समय रहल जब महाभारत जैसन ग्रंथ लिखल गर रहल। द्वारका नगरी के लेके आज भी शोध जारी बाते। बकिर अब ई देखल जाता कि द्वारका नगरी के नष्ट होवे के गुट्ठी सुलझे में आर कितना समय ले। प्रोफेसर एस ओ राव और डॉक्टर अलोक त्रिपाठी जैसन आर्कियोलॉजिस्ट के बगल से करल गल वैज्ञानिक खोज से द्वारका नगरी के एगो बड़का हिस्सा समुद्र के भीतरे पावल गल। द्वारका में ऐसन ऐसन तत्व आज भी उपस्थित बाते जहां परी महाभारत ग्रंथ में एकर उल्लेख हो रहल। बहुत कुछ सीखे के आज मौका मिलल बाते काहे कि जब वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन और खोजपूर्ण कार्य करल गल बाते तब जाकर के
लोग इस सब जानत हवन जा। आवत बुध के एगो दूसर दिलचस्प और ज्ञानवर्धक विषय लेके आवब जा, तबले अभी उदय के बगल से सबको के नमस्कार और प्रणाम।